सारे अइम्मा कर्बला आते हैं, सारे अइम्मा कर्बला
امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں, کربلا میں امام چین سے نہیں بیٹھتے ہیں, کبھی خیمہ گاہ پہ جاتے ہیں, کبھی تو یہ جنگلیاں پہ جاتے ہیں, تو آپ سے کہتے ہیں ارے یہ زمین سے بے مانگنا دیکھ رہی تھی میرا سکتے ملو سے مارا, پتھروں سے مارا, تیروں سے مارا, تلواروں
एक और इम्तिहान ले लिया जाए। खुदा की आवाज आई, मेरा हुसैन तो हर इम्तिहान दे चुका, अब कौन सा इम्तिहान बाकी है? अजादार जहन है, हुसैन का जिस्म दीवाल है, जख्मों में खून भर गया है। अजादार खुदा ने कहा हुसैन तो हर इम्तिहान दे चुका, कासिम के पामाल लाशें उठा चुका, अकबर के सीने से पर्ची निकाल चुका, अपने भाई के कटे हुए बाजुओं को उठा चुका, मेरा हुसैन तो सख्त में सख्त खा चुका, अब कौन सा इम्तिहान? अरे जख्मों में खून आए, इतने में आवाज दी, ए परवरदिगार आप दाद की जितनी करनी पूरी दुनिया में फैली है उसे समेत समेत के करबला ला, ए आजादारों
सकीना को नहीं मालूम था कि हमें कहाँ रखा गया है। सकीना कहती थी एफ की अम्मा क्या इन लोगों को घर बनाना जरूर है। Yeah,
अपने हाथों से अपने जिस्म पर मलने लगी। उन्होंने पूछा, अरे ये बर्फ का टुकड़ा तुम्हारे हाथों में है, जिस्म पर मल रही हो, कोई ठंडक का एहसास? कहती है मुझे कोई ठंडक मालूम नहीं देती। अरे जो बच्ची 18 बरस की हो, चंद दिनों तक प्यासी रह जाए, उसके हाथों में बर्फ दिया जाए तो बर्फ की शेद बर्फ की ठंडक खत्म हो जाती है। ए सकीना, अपने भाई से कुछ कहती है तो हर भाई अपनी बहन की फरमाइश से पहले जल्दी सुनने से, चाहे भाई वतन में हो चाहे भाई परदेश में हो। मैं दुआ करता हूँ मेरे अम्मा से, दुनिया में जब कोई भाई अपनी बहन की फरमाइश को सुने तो जरूर पूरी करे। Yeah.
है ओ मेरे लाल। अरे ये तुम तो किसी बच्चे की लहर से आए हो, मेरा भैया तो इतना खराब था जब घोड़े पे सवार होता था तो कदम पैर जमीन से कच्चा देते। अरे ये किसी बच्चे की जरूरत, मेरा इमाम लोग कहता है ए बुढ़ी अम्मा, अरे सालिमों ने मेरे चचा को टुकड़ों में बांट दिया था, ये मेरे चचा की कब्र है। ये कहके मेरा मौला रोके कहता है ए चचा उठिए